हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ पट्टा। तो आज एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जहाँ पे आज मैं आपको लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। जैसा आप सभी जानते हो, 18th of June को हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है। आपके सिटी इंटीमेशन भी आ गए हैं, आपकी जो डेट है, आपकी शिफ्ट भी आपको बता दी गई है, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। तो अब लास्ट 10 डेज है, तो लास्ट 10 डेज में हमें क्या करना चाहिए, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आज के सेशन में आपसे शेयर करूंगी। साथ ही मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी जो मैंने अपने एग्जाम टाइम पर फॉलो की थी, वो सारी चीजें भी मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए होने वाला है, प्लीज इसे लास्ट तक देखना और बाकी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करना, जिससे उन्हें भी इस सेशन से हमारी हेल्प मिल सके। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो 41st टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है। पेपर 1 एंड पेपर 2 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस जेआरएफ अड्डा पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मैंने भी 2 बार इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। फर्स्ट टाइम पर मैंने अपना नेट क्लियर किया था विद 218 मार्क्स, एंड इन सेकेंड अटेम्प्ट आई क्लियर माई जेआरएफ विद 224 मार्क्स। इसके साथ ही गेट भी मैंने क्वालिफाई किया है विद ऑल इंडिया रैंक 34। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में लास्ट 10 डेज में फॉलो की थी, वही सारी जो ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं आज मैं आपको बताने वाली। कुछ भी ऐसी ऊपरी ऊपरी हवाई बातें नहीं होंगी। जो चीज मैंने फॉलो की है, जिससे मुझे इस तरह का रिजल्ट देखने को मिला है, वही सारी चीजें आज के सेशन में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके अलावा जो लोग दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी बैचेस हमारे बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। एनरोलमेंट हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप सिर्फ जून अटेम्प्ट ट्रायल के लिए दे रहे हो, या फिर आप दिसंबर के लिए ही फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इस बैच को हमारा जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग से ही आप सारी चीजें फोकस करो, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम काफी बड़ा एग्जाम है, काफी वास्ट सिलेबस है, तो इसके लिए हमें अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए। तो अगर अभी से आप स्टार्ट करते हो, तो काफी अच्छे से आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर हो सकते हो और इजीली अपना जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो, आप हमारी कोर्सेज को, बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ये सभी फीचर्स हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ ही जो जून के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं डिफरेंट सिटीज में, तो इन्हें आप दे सकते हो। फ्री काउंसलिंग सेशन आप सभी के लिए होने वाला है, ऑफलाइन काउंसलिंग सेशन आपके लिए होने वाला है जयपुर में 22 जून को। तो इसके लिए भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है जयपुर में, तो इसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं, डायरेक्टली डिस्कस करेंगे कि लास्ट 10 डेज में हमें क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। तो अभी हम लोग देखें, 10 डेज से भी कम है अब हमारे पास, क्योंकि 18 का तो आपको एग्जाम ही है। आज 8th of June है जो अब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो अगर हम लोग देखें, ये जो 8 to 9 डेज हमारे पास हैं, इनमें हम लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले और फॉरमोस्ट जो चीज है, इस टाइम पर आपको कुछ भी न्यू चीज है वो नहीं पढ़नी है। जो भी आप अगर सोच रहे हो कि इस टाइम पे मैं पढ़ लेता हूँ, तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आपने पढ़ा है, बस उसी का अब आपको क्या करना है, रिवीजन सबसे ज्यादा करना है। तो रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को सभी बताते हैं, तो ये चीज ही आपको फॉलो करनी है। और इसके अलावा कुछ भी नया पढ़ने का ट्राई मत कीजिए। अगर अभी तक आपने किसी चीज को डर की वजह से, या आपने जनरली भी नहीं प्रिपेयर किया है, तो ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप सोचो मैं कुछ नया पढ़ लेता हूँ, कुछ लास्ट टाइम पे पढ़ूंगा तो शायद मुझे याद रह जाए। कई बार ये हमारी मेंटेलिटी होती है, बट ये चीज नहीं करनी है, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। काफी सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम पे ऑलरेडी काफी ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन होती है। तो एक्स्ट्रा अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगे, तो वो आपके लिए कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगी। तो इस टाइम पर कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ जो रिवीजन है उस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और रिवीजन के साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, प्रैक्टिस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। प्रैक्टिस आप किस चीजों की करनी है, एक तो आप ये है कि मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करो, वो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट करेंगे। जो आपका एग्जाम शेड्यूल आपको एनटीए ने दिया है, जो आपको एग्जाम स्लॉट आपको मिला है, जैसे अगर आपका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है, तो आपको ट्राई करना है जो मॉक टेस्ट है, आप 9:30 AM से, हमारा 12:30 AM टाइम है, तो इसी टाइम पर आप प्रैक्टिस करो, जिससे आपको वो हैबिट रहे हमारी कि मुझे इस टाइम पर बैठना है लगातार 3 घंटे, उसी तरह का एटमोसफियर आपको बिल्ड करना है। दूसरा बात करें, अगर सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो 3 to 6 PM वाले टाइम में ही आपको जो मॉक टेस्ट है अटेम्प्ट करना है। ये आपको अभी से अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि ये मेरा एग्जाम टाइम है, मुझे इस टाइम पर लगातार 3 घंटे बैठना है, पेपर सॉल्व करना है, उस एनवायरनमेंट को मुझे
फैमिलियर होना है, तो मॉक टेस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस साथ ही इस टाइम पर जो PYQs है ना, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो रिसेंट PYQs, स्पेशली 2022 एंड 23 में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके जो PYQs हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये NTA का रिसेंट पैटर्न है, तो आपको रिसेंट पैटर्न का आइडिया होना चाहिए। अगर आपने पहले कभी सॉल्व किए हैं कोई बात नहीं है, फिर से दोबारा से ना सॉल्व कर लो, बट जो रिसेंट PYQs है इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास वैसे टाइम है तो आप 2019 से लेके 23 के भी कर सकते हो, 5-6 साल के पेपर आप इस टाइम पर अच्छे से कर सकते हो। बट अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको 2022 से लेके 23 तक के जो PYQs हैं, जो भी जून एंड दिसंबर में एग्जाम हुए, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो लगभग ये जो 4 पेपर्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही 2 इम्पोर्टेंट चीजें जो इस टाइम पर फोकस करनी है। इसके अलावा कुछ भी हमें एक्स्ट्रा जो चीजें हैं उनका हमें नहीं सोचना है। अब रिवीजन हमें कैसे करना है, तो रिवीजन इस टाइम पर आपको या तो आप समरी देखो वीडियोस की, वो आप कर सकते हो, या जो सबसे बेस्ट आपको रिवीजन इस टाइम पर हेल्प करेगा समरी से भी ज्यादा, जो आपके शॉर्ट नोट्स आप ने बनाए हैं। आई होप अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स आपने जरूर बनाए होंगे, कीवर्ड्स वगैरह के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, या कुछ भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। आपके जो खुद के शॉर्ट नोट्स है ना, वो आपका जरूर पढ़ने हैं। जैसे इस टाइम काफी सारा मैं स्टूडेंट के बीच में देखती हूँ कि मतलब नोट्स हम लोग एक दूसरे से मांगते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी यही चलता रहता है, शॉर्ट नोट शेयर कर दो, वन लाइनर नोट शेयर कर दो, वो चीज आपको हेल्प नहीं करेगी। आपके अगर खुद के शॉर्ट नोट्स है ना, तो वही आपको हमेशा हेल्प करेंगे। तो इस टाइम अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उनका आपको ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना, अगर पॉसिबल है तो डेली उनका रिविजन करो। शॉर्ट नोट्स हैं तो आई एम अज्यूमिंग आपने 100-150 पेजेस से ज्यादा के शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं तो उतने ही क्रिस्प में चीजें होनी चाहिए। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये मुझे लगता है मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट की। मैंने हार्डली 150 भी बहुत मैक्सिमम हो गया, मतलब 100 पेजेस के मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे पेपर 1 पेपर 2 के, कि कीवर्ड्स मैंने लिखे थे। और ये जो 100 पेजेस है मैंने ट्राई किया था कि मैं डेली रिवाइज करूं, तो मतलब लगातार 10 डेज में मैंने ये जो 100 पेजेस है ना डेली रिवाइज किए थे, मतलब मेरे जो शॉर्ट नोट्स है। और ट्रस्ट में यही जो चीज है मुझे सबसे ज्यादा हेल्प की है, और जिसकी वजह से मैंने 224 मार्क्स स्कोर किया है। तो ट्राई प्लीज ट्रस्ट में, ये जो चीज है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। दूसरों के नोट्स मांगने से बेटर है अपने जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उनका प्रिपेयर, उनको आप प्रिपरेशन करो, या आपने अगर बुक वगैरह में कहीं भी कुछ भी चीज नोट डाउन की है, कीवर्ड अगर आपने पढ़े हैं, तो उनका आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। तो रिवीजन शॉर्ट नोट से आपको हेल्प करेगा। और अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं या बनाए भी हैं, तो जो दूसरी चीज है समरी वीडियोज आपको इस टाइम पर बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। समरी वीडियोज जैसे आप सभी देख रहे हो, जो मैराथन सेशंस हैं आप सभी के लिए लाए जा रहे हैं, ये आपको सबसे ज्यादा इस टाइम पे हेल्प करेंगे। तो क्योंकि मैराथन में आपको पूरी जो यूनिट है एक ही वीडियो में सारी रिवाइज की जा रही है, सारे जो भी क्रिस्प पॉइंट्स हैं कीवर्ड्स हैं वो आपको बताए जा रहे हैं, तो आपके खुद के शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेंगे, और ये जो समरी वीडियोज हैं आपको हेल्प करेंगी। तो बस इन्हीं के थ्रू हमें अपना रिविजन करना है, कुछ भी नया पढ़ने का नहीं जाना है, जो चीज आपने पढ़ी है उसी का आपको ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना है। तो ये चीज फॉलो करिए, और आप सभी के लिए जो ये जो चीज है JRF अड्डा ने बहुत ज्यादा इजी कर दी है, आप सभी के लिए मैराथन है वो JRF अड्डा पे होने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब क्लासेस में ये जो मैराथन से आपके लिए होने वाले हैं 8th of June, यानी कि आज से आपके लिए जो मैराथन है वो स्टार्ट हो गए हैं, एंड 14 जून तक डेली आपके लिए मैराथन यहाँ पर होने वाले हैं। जैसे आज 18 जून को आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का 5 घंटे का मैराथन रहा है, रचना मैम एंड अदिति मैम ने लिया था। कल आपके लिए रिसर्च का मैराथन होने वाला है अदिति मैम, फिर आपके लिए यहाँ पर और मैराथन होंगे, फिर ICT LR कम्युनिकेशन, PD हायर एजुकेशन, मैथमेटिक्स, मतलब सभी जो 10 यूनिट्स हैं पेपर 1 की उसका आपको कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे कराया जाएगा। तो ये जो मैराथन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको हेल्प करेंगे। कुछ नहीं करना आपको, कोई भी चार्ज इसके लिए नहीं है। आपको JRF अड्डा का यूट्यूब चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, सारे जो भी मैराथन से इनको अटेंड करिए, बहुत ज्यादा हेल्प आपको करेंगे। और इनके जो PDFs हैं वो भी आपको JRF अड्डा ऐप पर मिल जाते हैं, तो उसकी भी आप टेंशन मत लीजिए, सारे आपको क्रिस्प नोट्स भी मिल जाएंगे, तो उससे भी आप रिवीजन कर सकते हो। बट PDF से ज्यादा जो वीडियोज हैं वो आपको हेल्प करेंगे। तो इन मैराथन सेशन को जरूर सभी लोग अटेम्प्ट करें। और इसके साथ ही सिर्फ पेपर 1 नहीं, पेपर 2 के लिए भी आपके लिए जो मैराथन है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ये जो सभी सब्जेक्ट JRF अड्डा पे अवेलेबल है, सभी के पेपर 2 के मैराथन आपको कराए जाएंगे, जैसे एजुकेशन, सोशोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल साइंस, सभी के मैराथन आपके लिए आने वाले हैं। मैं सोशोलॉजी पढ़ाती हूँ तो आप सभी जानते हो मैराथन में किस तरह से कराती हूँ, कैसे सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं। तो ये
जो मैराथन से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू आप सबसे बेस्ट जो रिवीजन है कर सकते हो। सारे शॉर्ट नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे सभी यूनिट्स के, पेपर वन के, पेपर टू के, तो अच्छे से आपका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। तो ये जो शेड्यूल है बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, जे आर एफ अट्टा को छोड़ के आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि पेपर वन प्लस पेपर टू की पूरी तैयारी है वो हम लोग यहाँ पर आपके लिए करा रहे हैं। तो ये आपका शेड्यूल रहने वाला है। बाकी जो सोशियोलॉजी, मेरे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने सारी चीज ऑलरेडी बता ही दिया। आप सभी जानते हो यूनिट 1 to 6 का जो मैराथन है मैं आपके लिए करा चुकी हूँ। यूनिट फर्स्ट हमने कवर कर ली है, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 एंड 6 एंड बाकी की जो हमारी रिमेनिंग 4 यूनिट्स हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट 3 डेज में कवर करने वाले हैं। जैसे कल आप सभी के लिए यूनिट 7 का जो मेगा मैराथन है वो हमारा होने वाला है। तो कल आप सभी के लिए 5 PM पे सभी लोग मुझे ज्वाइन करेंगे, यूनिट 7 का सारा जो कंप्लीट थोरो रिविजन है वो हम लोग करने वाले हैं। फिर उसके बाद आप सभी के लिए, तो कल 9 जून को हम लोग यूनिट 7 करेंगे, हम लोग 10 जून को 3 PM पर यूनिट हमारा 8 एंड 9 दोनों यूनिट क्योंकि शॉर्ट हैं तो हम लोग एक ही दिन में इसे कवर कर लेंगे। तो 10 जून को हमारा यूनिट 8 एंड 9 का रिवीजन होने वाला है एंड 11 जून को हमारा यूनिट 10 का मेगा रिवीजन होने वाला है। मतलब जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, सारी जो भी 10 यूनिट्स हैं उनका कंप्लीट रिवीजन मैंने आप सभी को करा दिया है। तो जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं आप सभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप जे आर एफ अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तो सारी जो भी क्लासेज हैं उनकी अपडेट आपको मिल जाएंगी। ये जो 10 यूनिट्स हैं हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद 11th को हमारे यूनिट्स कंप्लीट होते ही, मतलब थियरी रिवीजन होते ही, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो करने वाले हैं और डेली अब मैराथन ही होगी। बस आज ये आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास थी, बट कल से आप सभी के लिए डेली लाइव क्लासेस होंगी, मैराथन क्लासेस होंगी और डेली हम लोग थियरी क्वेश्चंस ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, बिल्कुल मेरा टाइम टेबल नोट डाउन कर लीजिए, सब चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। इसके अलावा मैंने आपको जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताई, आपके लिए जो मॉक टेस्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी इंतजाम जे आर एफ अट्टा ने आप सभी के लिए कर दिया गया है। आपको 8 to 13 जून हमारा लगातार आपको डेली 150 क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट है प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब डेली आपको यहाँ पे पेपर वन प्लस पेपर टू का जो कंबाइंड मॉक टेस्ट वो प्रोवाइड किया जाएगा एंड ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये मॉक टेस्ट है, कोई भी चार्ज इसका आपसे नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको जे आर एफ अट्टा ऐप को इंस्टॉल करना है, वहां पर जाके फ्री टेस्ट के सेक्शन में आप ये जो टेस्ट है इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। 9 AM से 9 PM का टाइम है, तो बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्लॉट डिसाइड कर लेना और आप अपने अकॉर्डिंग लगातार 3 घंटे बैठ के ये जो मॉक टेस्ट है अटेम्प्ट कर सकते हो। प्लीज इस चीजों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जितना हो सके मैक्सिमम फायदा इन चीजों को उठाइए। आपको से बेस्ट क्वालिटी में सारी जो भी चीजें वो कहीं नहीं मिलेंगे, ये जेआरएफ अड्डा की गारंटी है। तो जितना हो सके इन फ्री चीजों का बेनिफिट उठाइए, आपके बेनिफिट के लिए ये सारी चीजें क्लियर की जा रही है। तो आई होप जो लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों को समझ में आई है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो रिविजन है उस पर फोकस करना है, तो रिवीजन अपना शॉर्ट नोट्स या मैराथन के थ्रू आप कर सकते हो। शॉर्ट नोट प्लस मैराथन दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट नोट्स प्लस मैराथन आप इसके थ्रू आप अपना रिवीजन करोगे। दूसरा जो फैक्चुअल पार्ट है उसका आपको अच्छे से रिवीजन करना है। जैसे हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ फैक्चुअल पार्ट होता है, कुछ फिगर्स, कुछ डेटा हमें याद करना होता है। जैसे अगर मैं सोशियोलॉजी की बात करूँ तो बुक्स एंड ऑथर्स के नेम्स वगैरह है, कुछ आपको फैक्चुअल ईयर्स वगैरह है वो सब याद करने होते हैं, तो उनका आपको डेली अच्छे से फ्रेश माइंड से रिवीजन करना है, वो आपके इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन इंपॉर्टेंट है, PYQs इस टाइम पे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 2019 से 2023 के आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो 2022 एंड 2023 के तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये तो 100% करना ही है, प्लस जो मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने है। तो बस यही 3 चीजें हैं जो लास्ट 10 डेज में आपको फॉलो करनी है और इसके थ्रू बिल्कुल इजिली आप अपना जो जेआरएफ क्लियर कर सकते हो, जैसे मैंने अपना क्लियर किया था। तो बस यही चीज को फॉलो करिए। और थोड़ा सा आई नो इस टाइम पे बहुत सारा आप लोग टेंशन में चल रहे होंगे इतना, क्योंकि साल भर हमने इतनी मेहनत की है तो जाहिर सी बात है पैनिक आप हम लोग होते हैं, मैं भी हुई थी, सब लोग होते हैं, बट ये जो पैनिकनेस है इसे अपने ऊपर हावी नहीं देना है। बट ये जो लास्ट 10 डेज है ना, ये आपके लिए ट्रस्ट मी लाइफ चेंजिंग आपके लिए हो सकते हैं। तो जितना हो सके अगर थोड़ा बहुत अपने आप को पुश करो, पुश करने का मतलब ये नहीं आप खुद को ओवर बर्डन कर रहे हो, ओवर बर्डन भी नहीं करना है। इस टाइम लोग बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में आ जाते हैं, लोग खाना पीना सोना छोड़ देते हैं, ये मिस्टेक नहीं करनी। एटलीस्ट आपको 7 to 8 hours की जो स्लीप है वो लेनी ही है, दिन में 24 घंटे होते हैं, आप कितना भी पढ़ो तो भी मुझे लगता है 7 to 8 hours निकाल सकते हैं, ये मस्ट डू है। आपको 7 to 8 hours तो आपके स्लीप आवर्स होने ही चाहिए इस टाइम पर,
तभी आपका जो माइंड है रिटेन रख पाएगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा लग रहा है मैम भूलते जा रहे हैं, टेंशन हो रही है, तो वो इस वजह से भी होता है। अगर आप प्रॉपर नहीं सोते हो, आपका अच्छा डाइट इस टाइम पे अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से भी ये सारी चीजें होती है। कई बार हमें समझ नहीं आता है, बट ये भी रीजंस हो सकते हैं। अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे हो, अच्छे से खा पी नहीं रहे हो, आप अगर हेल्थी मेंटल स्टेट में नहीं हो, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है कि हमें ऐसा लगता है हम सब कुछ भूल रहे हैं। तो ये चीज थोड़ा सा ट्राई करना कि एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आप सो, और इस टाइम पे बस आपको अपना 100% देने का सोचना है। अगर अभी तक 100% दे रहे हो तो 200% अपना तो एक्स्ट्रा पुश करो। मतलब लास्ट टाइम पे जब हमारा रिजल्ट आए ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार काश थोड़ी और मेहनत कर लेते तो हो जाता, काश उस दिन ऐसे और पढ़ लेते, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेहनत करो फिर रिजल्ट नहीं आए तो वो बात की बात है, बट अपने तरफ से बिल्कुल हमेशा 100% देना है। अपनी तरफ से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जब आपको उस दिन रिजल्ट आएगा, आपको फाइनल जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपके जो सारे जो भी टेंशन है, आपको खुद को फील होगा कि हाँ ये वर्थ इट है, हमने इसे अपनी मेहनत से अचीव किया है। तो बस उस दिन के लिए स्ट्रगल करती रही, जब आपके रिजल्ट में फाइनली लिखा आएगा क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, जब ये आपके रिजल्ट में लिखा आएगा ना, तो सारे जो भी टेंशन्स वगैरह हैं, जो भी प्रॉब्लम, जो भी सेक्रीफाइसेस आपने अभी इन लास्ट डेज में किए होंगे, वो आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे कुछ ना कुछ मतलब उनका निकला है। तो बेसिकली बस इस दिन के लिए हमें काम करना है, क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ हमें अपने रिजल्ट में लिखा देखना है, तो बस उसके लिए अच्छे से मेहनत करते रहिए। बाकी जेआरएफ अड्डा की पूरी टीम आप सभी के सपोर्ट में है ही। कोई भी आपको हेल्प चाहिए है, किसी भी तरह का कोई भी इशू है, तो कॉमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है, जरूर बता सकते हैं। किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर आप कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी वीडियो चाहते हो, तो वो भी आप जरूर बता सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से प्रिपरेशन करता रहना है आपको, और बस गिव अप नहीं करना है। लास्ट 10 डेज की फाइट है, फिर उसके बाद हम लोग जो अच्छा रिजल्ट है वो भी अचीव करेंगे, और साथ में मिलके सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि पूरी टीम दोनों तरफ से मेहनत की जा रही है। आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हो, हम लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो साथ में मिलके रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी मीनिंगफुल लगा है, तो लाइक और शेयर भी जरूर होना जाना चाहिए, एंड कॉमेंट करके जरूर बताना जो भी आपके थॉट हैं। एंड बिल्कुल कॉमेंट्स में ये आना चाहिए कि इस बार हम लोग जेआरएफ अचीव करने वाले हैं। तो JRF 2024, मिशन JRF 2024, या सभी का कमेंट मुझे आना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली वीडियो अच्छा लगा है तो, और JRF अगर आप अचीव, आपको कॉन्फिडेंट होगी हाँ मैम बिल्कुल हम कर सकते हैं और साथ में मिलके करेंगे, तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। सो और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।